मुझे तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे स्टाइल करना, मुझे ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक इंटरनेशनल फैशन अभी इंडिया में आ चुकी है, सो वी आर इन सिंक. अब खतरों के खिलाड़ी, मैंने कहा ना आपको जन्नत, मुझे लगता है वो जीतेंगे. आई थिंक सो, आई होप सो. आप अभी रुको, वेट फॉर द न्यूज़, आपको पता चलेगा. अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, पर आने वाला है फॉर श्योर. थैंक्स. क्या कहूँ, स्टाइल फैशन आइकॉन फॉर माय स्टाइल. मेरे फैंस को कीप लाइकिंग मी एंड एंजॉय. थैंक्स. Yes, I like this fashion show because it's the second edition of Lords of Trends organized by Kunal Thakkar, and they have done an amazing job to put all together international fashion designers and so many talents from all over the world. So I'm really happy to also get this beautiful achievement awards tonight and to sing one song for all of you. He's asking you what you're getting an award for. What, Mayur? Meri achievement ke liye hai ki main pioneer hoon Bollywood opera style ke liye. Pehle time ever singer fusing opera ki western style of singing hai with Bollywood songs. So I'm very happy tonight to be representative of this Bollywood opera style achievement. And thank you, Kunal, for giving it to me. Thank you. अरे भाई पीछे हो ना, इस तरफ पीछे के पीछे आओ. मैं क्या बोल रहा हूं, थैंक यू सो मच. हां तो पीछे पीछे थोड़ा सा इधर आ जा. सुनो मैं रुक गया. हां यस यस. अरे मोबाइल पीछे आओ यार, पीछे करना. दीपक पीछे करना, जरा जी सामने सेंटर में. I am nominated for the most promising face of the year, and the category that I'm nominated in is very, very special, and it's huge. And it actually comes with a lot of responsibility and happiness and encouragement, and I'm very, very happy to be here tonight. तो खतरों के खिलाड़ी में वैसे तो हर स्टंट से पहले डर लगता ही है आपको, बिकॉज
सब चीज़ें इतनी एक्सट्रीम होती हैं कि आपकी डे टू डे लाइफ में वो चीज़ें नहीं आप एक्सपीरियंस करते हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा डर हाइट और करंट से लगा. करंट बिकॉज वो बहुत खतरनाक होता है और हाइट से मुझे भी डर लगा, वो मुझे वहीं जाके ज़्यादा पता चला. My bonding with everyone was amazing. In fact, जाने के पहले I was wondering if I would actually bond well, gel well with other contestants. But it was totally unexpected because सब लोगों से बहुत ही अच्छी तरह से मैंने bond किया और बहुत मज़ा आया. I think those days were really one of the best days and best experiences so far. किसी को एंकरेज नहीं किया कि जाने के पहले क्या प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं खुद प्रिपेयर होकर नहीं गई थी, तो मैं एक्चुअली दूसरों को क्या बोलूँगी कि आप प्रिपेयर होकर जाइएगा. बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर एंड योर माइंड सेट. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट आपका माइंड अच्छी तरह से हेड स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड सेट है कि आपको क्या करना है. और आई थिंक दैट्स इट, दैट रियली रियली हेल्प, इट रियली हेल्प मी. कौन जीतेगा? आई डोंट नो कि कौन जीतेगा, क्योंकि अभी तक के हमारा ग्रैंड फिनाले शूट नहीं हुआ है. हमारा ग्रैंड फिनाले शूट होना बाकी है, जिसमें अनाउंसमेंट होगा कि कौन जीता है. सो जस्ट वेट एंड लेट्स होप द बेस्ट विंस. जी बिल्कुल. जाने के पहले भी मैंने जब भी मीडिया बाइट्स दिए थे तो मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं जाऊँ तो रोहित सर की मैं फेवरेट बनूँ, या फिर यू नो आई रियली होप दैट आई बॉन्ड वेल विथ हिम एंड मुझे डांट ना पड़े उनसे. बट मैंने जैसा जैसा सोचा था उससे भी बेटर हुआ. सर ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मोटिवेट किया है एंड आई थिंक जितने भी स्टंट्स हम कर पाते हैं उसका बहुत ज़्यादा श्रेय सर को भी जाता है, बिकॉज़ वो आपके साथ होते हैं और आपको एक कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती है कि सर हैं तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, आपको कुछ होगा नहीं. सो आई लाइक टू थैंक हिम एंड आज ही मैंने अपनी पंजाबी फिल्म का पोस्टर डाला है जो कि 11 नवंबर को रिलीज हो रही है. आई रियली होप दैट यू गाइज वॉच द फिल्म एंड यू रियली लाइक इट. थैंक यू. Excited to share that film with my fans, and I think it's going to be a fun film, so I'm really looking forward to it. अभी नहीं बता सकती ज़्यादा उसके बारे में. बोला ना कॉमेडी फिल्म है. दिल बिल, दिल बिल. हाँ जी. फैंस के बारे में, वेल just a big thank you because I have been getting a lot of love from all over. So aaj jo ye international icon award bhi mila hai mujhe, it's somehow because of them. So love you guys. Thank you. Samir.
सर इधर देखिए सर का मोबाइल ये वाला है इसमें देखिए अरे वो क्यों हो गए क्या इशारा क्या करना है अरे दौड़ो जो करना था थैंक यू ओके थैंक यू बाय हम लोगों को बेस्ट सीरियल के लिए नॉमिनेट किया गया है और बेस्ट कॉमेडी एक्टर भी Thank you.
देखिए अभी तो हम लोग भाभी जी घर पर हैं, मैं पिछले 8 सालों से लगे हुए हैं। फिलहाल तो आपको तिवारी जी देखने को मिलेंगे जब तक हम एक्सक्लूसिविटी से बंधे हुए हैं, उसके बाद फिर आपको पहले की तरह कुछ और भी किरदार देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। देखिए स्ट्रेस लेवल तो एक्टर्स का हम लोगों का बहुत बढ़ गया है, मैं आपको बताऊं मलखान की डेथ के बाद तो हम ये सोचने लगे हैं कि वो जब इतना हट्टा कट्टा आदमी जो कि जिम करता था और उसको किसी तरह का ऐब भी नहीं था, जब वो अचानक जा सकता है तो हम तो मतलब उससे कहीं ज़्यादा उम्र दराज भी हैं, और तो एक भय 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 आ गया है मन में। और राजू भाई का भी एक तरह से ट्रेड मिल पर दौड़ते हुए अचानक से उनको हुआ, तो ये चीज़ें हमारे अंदर बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं आजकल। हमारी बातों में एक अजीब सा एक डर छुपा है, एक पैसिमिज़म है, एक निराशावाद है, जिससे अभी निजात पाना बहुत ज़रूरी है धीरे धीरे। और वो कैसे होगा क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा है सच में। जी हाँ, जैसे अमूमन होता ही है, जैसे अभी दिवाली का आने वाला है और गणपति का आने वाला है, वो सब उसी तरतीब में चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि हमारा सीरियल कॉमेडी है तो हमारा यही रहेगा कि हम उसमें हास्य का पुट ज़्यादा डालते रहें। जी बिल्कुल, गणपति की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब तो केवल महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया में भी मनाया जाने लगा, ये इतना ज़्यादा इसकी फैलावट हो गई है कि सिर्फ सिर्फ बॉम्बे का ही नहीं बल्कि पूरे पूरे हमारे कालका में एक छोटे से कस्बे में भी अभी गणपति उत्सव मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। मैं यही मैसेज दूंगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, बाकी तो ऊपर वाले को क्या मंजूर है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि स्वास्थ्य है, सेहत है तो सब कुछ है। Okay, so it's a very auspicious day, very special day for all of us since Bhabhi Ji Ghar Par Hai show is getting Best Entertainment Show Award, and I'm really happy to be part of this show. I'm playing Rusa and I'm thankful to all of you. आप लोग सब मेरी fraternity के हैं, if you remember मैं 15 साल मेरे मीडिया को दे चुकी हूँ और अब मैं एक्टिंग में आई हूँ, मुझे एक साल हो गया है Bhabhi Ji Ghar Par Hai show करते हुए। So अच्छा लग रहा है, आप लोगों से इसी बहाने मुलाकात हो जाती है और अवार्ड मिलता है, तो अवार्ड जब मिलता है हाथ में आता है तो एक अलग ही फीलिंग होती है। मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बड़ी बड़ी चीज़ें करते रहिए, ख्वाब देखते रहिए, खुश रहिए, बिकॉज आज की डेट में कल का नहीं पता। तो आप लोग हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए, हर मोमेंट को बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ देखिए, क्योंकि लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। आप लोगों ने हमारे शो में देखा होगा दीपेश जी नहीं रहे हैं और मेरे बहुत खास दोस्त थे, अवार्ड शो में मैं आई हूँ लेकिन उनको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना कहीं आना और अवार्ड लेना अपने आप में अधूरा है। थैंक यू, थैंक यू। कॉमेडी के लिए मुझे मिल रहा है जो मैं कोशिश करता रहता हूँ, छोटा मोटा हंसाने की कोशिश करता रहता हूँ, तो ये जनता का प्यार है। मैं तो हालांकि किसी अवार्ड के लायक नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अवार्ड दे रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। मैं खुशी से दीवाना हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं अपनी शक्ति जितनी मुझ में है, परमात्मा ने जितना मुझे यथाशक्ति बनाया है, हमेशा कोशिश करूँगा लोगों को स्वस्थ मनोरंजन देने की, फैमिली कॉमेडी करने की। इसी के लिए हम फिल्म बना रहे गाली गलौज। गाली गलौज जो फिल्म आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि स्वस्थ कॉमेडी होनी चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए। तो गाली गलौज हमारे फिल्म में विलन है, जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी फिल्म में गाली गलौज विलन है। तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा, लोगों को बहुत भेजिएगा कि अगले महीने तक रिलीज़ हो जाएगी पिक्चर गाली गलौज, बहुत कॉमेडी फिल्म है।
बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखे, कलाकार हो या कोई भी आम इंसान हो, अपने रूटीन का ध्यान रखे, अपने अपने जीवन का ध्यान रखे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने परिवार के और अपने संसार के और अपने देश के काम आ सको और खूब काम कर सको अच्छे से। अब तो रियलिटी शो रहे नहीं, अब तो वो फेक हो गए, अब तो बल्कि जो जीवन में चल रहा वही रियलिटी है, और उसमें उसके तहत आप में जो फिल्मों में देख पाएंगे, आने वाली फिल्म हमारी गाली गलौज के अलावा सुपर जासूस है राजपाल यादव, मैं हूँ, फैमिली 420 है उपासना सिंह और मैं हूँ, ऐसी बहुत सारी फिल्में आ रही है, और बाकी सोशल मीडिया पर तो मैं एक्टिव रहता ही हूँ, नए नए मेरे एक्ट चलते रहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, आप जियो हज़ारों साल, अपना रखना ख्याल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। ये वाह, इलेक्ट्रॉनिक ब्रदर्स आ गए, मतलब स्टेज पे जाती है करंट लग जाता है। बस हम आपके प्यार में आए हैं और सब बढ़िया। राजू भाई, राजू भाई की तबीयत कैसी है? अब चमत्कार हो रहा, अब रिकवरी हो रही है। अच्छा, चलो ऊपर वाला करें। जितना जिसने लोगों को इतना हंसाया उसके साथ में तो कुछ ऊपर वाला भी गलत नहीं करेगा। अल्लाह सबका करे। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, सब बढ़िया? बहुत अच्छा शो था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। थैंक्स टू माई ब्रदर अक्षित जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। हाँ, हमारा तो सब हो गया, जो हमें करना था वो हमने तो कर दिया। हाँ हाँ, ये तो बहुत बड़े बॉस हैं भाई। सो गाइज, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी इंशाल्लाह। और अभी हमारा लेटेस्ट सॉन्ग आया है फ्रॉम द मूवी लाल सिंह चड्ढा, जो कि मैंने और अल्तमश ने गाया है, तुरकलिया। तुरकलिया जिसमें आमिर भाई भाग रहे हैं, जिसमें 5 साल भागे हैं वो, 4.5 साल। बिल्कुल गुनाएंगे सर, गुनगुनाएंगे। कहाँ है अल्तमश? कहाँ है? नहीं है। लम्हों में आए, लम्हों में गुम। ये तो अरिजीत ने गाया ये पार्ट, जो हमारा पार्ट है वो ऐसे है। तू आप पे सवाली है, तू आप पे पयंबर है, तू खुद है तमाशा भी, आप पे ही पयंबर है, बेकार तलाशे तू दरगाह में शिवालों में, जिस यार को तू ढूंढे वो तेरे ही अंदर है। मम्मी कहती है बड़ी हिजर मेरा तारा गीठिया, बता कोई ले वरगा, जल भुण कर तैनू की मिलिया, तुरकलिया में छल्ला चल वे तुरकलिया, छड़ रंज दिया गलिया चल वे तुरकलिया, तुरकलिया में छल्ला चल वे तुरकलिया, छड़ रंज दिया गलिया चल वे तुरकलिया, तुरकलिया 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 तुरकलिया। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही हिट गाना है, बाय गॉड इस गाने को मत करो बायकॉट। नहीं, हमारा गाना तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, बिकॉज बहुत बड़ा गाना है, ग्रेट कंपोजर प्रीतम दा ने कंपोज किया है, अमिताभ भाई ने लिखा है, दोनों लेजेंड है, और तीसरे आमिर खान भी लेजेंड है, तो गाना लोगों को बहुत पसंद आया है। बाकी फिल्म तो आप लोगों को पता ही है, चल रही है, उम्मीद करता हूँ आगे बहुत अच्छी चलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार। महारानी दिल की। अबाउट मी माई सेल्फ, सो इट्स फ्रॉम आद्या डिज़ाइनर
एंड थैंक यू आद्या फॉर गिविंग मी सच अ प्रीटी ड्रेस सच अ प्रीटी ज्वेलरी मेक मी सो ब्यूटिफुल थैंक यू बहुत ही खुशी की खबर आई है फ्रॉम दिल्ली. मैं समझता हूँ कि एम्स की को बहुत मुबारक हो, डॉक्टर को बहुत मुबारक हो, राजू जी के पूरे परिवार को बहुत मुबारक हो, हम सब दोस्त यारों को बहुत मुबारक हो, कॉमेडी के वर्ल्ड को बहुत मुबारक हो कि राजू जी ने रिकवर करना शुरू कर दिया है, स्पीडी रिकवरी शुरू हो गई है, जल्द ही वो उठ के बैठेंगे और हम सबके बीच में आएँगे और हंसेंगे हंसाएँगे. सो मैं समझता हूँ कि लाफ्टर का मेडिसिन, डॉक्टर का मेडिसिन और लेकर आएंगे राजू भाई कॉमेडी का वैक्सीन और हम सबको बहुत हंसाएंगे. बहुत खुशी की खबर आई. मैं बहुत दिल से इस बात को आप सबके लिए चाहता हूँ कि आप सब इसको शेयर करें और दुआएं करें, प्रार्थना करें जितनी हो सके. अच्छी दवा और अच्छी दुआ जो है वो परमात्मा जो है चमत्कार करते कर देते हैं परमात्मा और हो रहा है. जी 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 वो तो बहुत ही शॉकिंग था, अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हम. हमें तो लग रहा है कि राजू भाई मजाक कर रहे हैं क्योंकि सीरियस होना उनके पर्सनालिटी पे जाता ही नहीं है. राजू श्रीवास्तव सीरियस नहीं जाता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली खबरें सुनाई पड़ रही है. मैंने तो देखा नहीं, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मैं यकीन ना करूँ इस बात पर. लेकिन एनीवेज परमात्मा ने हम सबकी सुनी है, ईश्वर हमारे साथ में है और दिन ब दिन प्रोग्रेस होती जा रही है. मोदी जी भी वहाँ पर ख्याल रखे हुए हैं, योगी जी भी ख्याल रखे हुए, गृह मंत्री अपना स्वास्थ्य मंत्री भी, केजरीवाल जी भी और हमारे प्रिय मित्र पंजाब के सीएम भगवंत मान जी भी हमें फ़ोन करके पूछते रहते हैं. ये सब हमारे प्यार के लिए और परमात्मा के आशीर्वाद का मामला है. बस ऐसा ही बना रहे, आप हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए और राजू भाई गुजरात भैया जल्दी लौट आइए. I'm so happy that I'm receiving this award and this is a rising actress and influencer of the year award and I'm so grateful, so glad to be here. Music videos are going to come as everyone knows that I'm doing music videos, lot of music videos I've done. So yeah, two of them are about to release. So yeah, thank you so much. I am so thankful to lots of friends. I've got the best director of the year and this is my first award as a director, as a singer, as a performer, music sensation. Kafi awards mile hain but this one is special because ye pehli bar mujhe as a director mila hai jo main by passion karta hu. So it's very very special moment for me and I would like to thank Midday and the entire team for giving me this prestigious award. And I would like to thank my team who's always been supportive to me, my family and to all my fans. Kafi kuch aa raha hai, there is a lot of content which is going to be coming from my end. Aap kafi videos dekhoge acche, jin stars ke sath maine nahi kaam kiya unke sath bhi aap dekhoge. You see a lot of new connections with me. एंड बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, स्पेशली लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फॉर द नवरात्रि एंड आई एम सुपर एक्साइटेड यू नो फॉर दोज वीडियोज. गाइज थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड दिस मीन्स अ लॉट एंड आज एक स्पेशल इंस्टाग्राम गिफ्ट भी मिला है मुझे विच इज़ मोर ऑफ एन सरप्राइज. सो थैंक यू ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग मी, लविंग मी एंड सॉरी सॉरी को और ज़्यादा प्यार दो एंड कीप लविंग. Thank you so much. Thank you.
बहुत बहुत मेहनत की है, मेरी टीम इंडिया में नहीं वर्ल्ड में बेस्ट है। वेरी ट्रू, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग अवार्ड के लिए और बहुत कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को हंसाते रहे और हम पूरी टीम मिलकर ये काम करते हैं, तो ऑफ कोर्स वी डिजर्व दिस। ये अवार्ड भी मलखान के नाम से आपने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे हर अवार्ड में हमारी पूरी टीम शामिल है और ये मलखान तो हमारे दिल में रहता है, तो हम खुशी खुशी मलखान के नाम ये अवार्ड ले रहे हैं। दिवाली जी क्या कहना चाहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहूँगा जो मैडम ने दोहराया कि वो हमारे हृदय में वास करता है, ताउम्र वास करेगा, हम उसे मिस करते हैं, इसीलिए हमने ये अवार्ड उसको समर्पित किया। तो आज की शाम मलखान के नाम हमारे प्यारे दीपेश भान, आप जहाँ पर भी हैं हम आपको बहुत याद करते हैं और हर अवार्ड हम आप लेंगे आगे आने वाले समय में वो आपको ही डेडिकेट करेंगे। आप एक्ट्रेस बनने से पहले दीपेश के काफ़ी सारे सूट आपने कवर भी किए हैं, कितना मिस करते हैं आप इस चीज़ को? बहुत मिस करते हैं, वो मेरा रील्स पार्टनर था, हम लोग ब्रेकफास्ट साथ में करते थे, लंच साथ में करते थे, मुझे 7-8 साल से दीपेश जानता था। ही वॉज सच अ प्योर सोल, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही मस्तीखोर। जैसे कि रोहताश जी ने कहा कि उनको ये बहुत लेजी समझते थे, दीपेश बोलते थे उठो चलो, मुझे जब बोलते थे, मैंने जब ये शो ज्वाइन किया मुझे बोलते थे चलो कोई मेरी टक्कर का आया है जो बिल्कुल मेरे एनर्जी लेवल का है, तो मुझे ये कॉम्प्लीमेंट उनसे मिला और मैं आज भी इसे एज ए कॉम्प्लीमेंट बता रही हूँ आप सबको, क्योंकि दीपेश का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई मैच नहीं है। ही वॉज़ ए प्योर सोल एंड ही वॉज सो सो क्लोज टू ऑल ऑफ अस, वो जहाँ पर भी हो बस मुस्कुरा रहे हों और खुश रहे। हम भाभी जी की बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे भाभी जी के बारे में? भाभी जी के बारे में हमने ये अवार्ड भाभी जी के लिए लिया है और दीपेश के नाम, तो हम सब खुशी खुशी की चीज़ें बात करते। दीपेश मेरा बहुत हसमुख और अच्छा था, तो खुश की बात, वो 2000 अपने एपिसोड की वेट कर रहा था बैटिंग। और कुछ कहना चाहेंगे सर? उसकी कॉमेडी सेंस बहुत अच्छी थी, वो इम्प्रोवाइजेशंस बहुत किया करता था, वो बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐड ऑन किया करता, जैसे अरी मोरी मैया ये उसका ईजाद किया हुआ था और वो बहुत इम्प्रोवाइजेशन करके जब डायरेक्टर बोलता था नहीं मज़ा नहीं आया तो कह रहे कोई बात नहीं बिका अगली बार बिक जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू भारद्वाज जी, आपको बहुत बहुत एक फोटो ले रहे हैं वापस ले, प्रीत वापस ले जा, ये अच्छा था, अरे लाइट के अच्छा था, अरे प्रीत वापस ले ले जा, तू वीडियो बंद कर, तू वाट लगा रहे थे, बंद कर, बंद 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 करो, ये रुक रुक
sorry, I couldn't give. I'm nominated as best actor for Indian television, and I hope I'll get the award. It's actually a very beautiful feeling when your work gets recognized on such platforms. I congratulate them. I tell them all the very best. It's a beautiful feeling when, you know, among all the shows that, you know, people like your work and you're nominated for such things, and I'm very humbled. I like to ask people how they are finding it. I have nothing to say. I think it's the time for the public to just say. I'm very humbled by the response of the show. People are loving it. Sometimes we like to hear from audience also what they like. Of course, you know, I'll convey the same to the writers so that they can incorporate some new ideas. If you have some new ideas, please bring it on. We are very dear friends, yeah. Firstly, I congratulate him for being a father now. It's a new trend for him now, like a new life for him now. And he's such an energy, yeah, such a good boy. We love shooting together. We have a great time. Whenever we shoot together, we have a great time. For 5 years, we have run the show together. We have some indelible memories with each other. He's like a brother to me, so we all enjoyed shooting together. Would you mind being a little louder? I wish them all the best. I wish them all the best. Promos looks amazing. So I wish them all the very best. Thank you. Kiske baare mein? Mere look ke baare mein. ऐसे मौकों के लिए ही ऐसा लुक होता है सो इट्स अ क्लासिक टक्सीडो दैट आई एम वेयरिंग दिस इज डिजाइन बाय कनिका जे वर्मा शी इज अ डिजाइनर आई मोस्टली वेयर हर स्टफ सो आई एम वेरी हैप्पी थैंक यू I'm getting an award for versatile performer of over 2 decades. So I think ये बहुत ही prestigious award है and I feel good, great, because इतने साल काम करने के बाद you know आपको encouragement मिलती जा रही है year after year. ऐसे awards बहुत special होते हैं and especially जब आपने इतने साल industry को दिए हैं मैंने लोगों को बहुत हंसाया है सालों से एंड अलग अलग किरदार में मैं लोगों को दिखाई दूंगी एज फार एज माई शोज़ आर कंसर्न सीरियल्स है काफ़ी वेब शोज़ है और मूवीज़ है तो आई थिंक बहुत अच्छा लगता है आई थिंक स्टार प्लस का शो लोगों को बहुत पसंद आया इट वॉज कभी कभी इत्तेफाक से नाम का शो था हमारा इनफैक्ट आज इसका टेलीकास्ट का लास्ट डे है एंड मैं एक्चुअली अपने कैरेक्टर के हिसाब से ही आई हूँ गोली बुआ बनकर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ हमारे पूरे गैंग को मिस कर रही हूँ हमारे कास्ट क्रू सबको मिस कर रही हूँ आई थिंक ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि बस यूं ही प्यार देते रहे हर किरदार को प्यार देते रहे हर रोल जो मैं करती हूँ उसको प्यार देते रहे थैंक यू वेरी मच
So the thing is, I don't think I'm nominated for anything. I think I'm here to give away awards. और मुझे बोला गया है कि इस शाम को बहुत अच्छी टैलेंट देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे नए लोग जो अपनी टैलेंट दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, उनको देखने को मौका मिलेगा. So I'm pretty excited about that. Well, I love being Vikram Kohli in Kumkum Bhagya and I loved being Anirudh in Anupama and बस I'm very thankful कि लोग आज भी पसंद करते हैं हमें, आज भी कॉल्स आते हैं, आज भी हम काम कर पा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अभी तो मैं कुमकुम भाग्य ही कर रहा हूँ और बाकी एक फिल्म मैंने साइन की है जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग ऑन. आई थिंक नेक्स्ट मंथ तक उस पर काम चालू हो जाएगा. अभी तक टाइटल भी फाइनल नहीं हुआ है. Right. No, I have not been watching Khatron Ke Khiladi to be honest, but jitne bhi clippings matlab social media pe vagera main dekh raha hu, I think she is doing a wonderful job and my good wishes are with her, yeah, always. Well, just keep showering us with all the love aur aap apna khayal rakhiye. Life is back to normal after 2 years. Please stay safe and be happy and spread the positivity. गणपति बाप्पा मोरिया, मैं गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत अहम है मेरे लिए ये. तो सारे गणेश भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बाप्पा बस हम पे अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते रहे, बस वही एक मनोकामना है. थैंक यू. Actress, I'm super excited. Yes, of course. So I've got an upcoming album song with Javed Ali, which is releasing on 7th of September, and I'm super excited. It's a lovely song, and I can't wait for you all to see it soon. So it's like a romantic song, and we filmed it in Varanasi. It's really like surreal and like very filmy, so it's really nice. Romantic song. Sorry? Message for the fans. I love you all and keep loving and keep supporting, and good projects are coming soon, so I hope I can continue to entertain you all. Thank you so much. Thank you. Inside? Yeah, yeah. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि क्या क्या होने वाला है. एंड हाँ, एक बहुत अच्छा दिन है और वीकेंड है सैटरडे, तो मज़ा आएगा. सॉरी, मेरे दो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक अमेज़ॉन के लिए फिल्म आ रहा है और एक और प्रोजेक्ट पाइपलाइन में. तो मैं फिल्म का नाम अभी नहीं बता सकता, पर बहुत जल्द बताऊँगा मैं. थैंक यू. फैंस के लिए मैं कहूँगा कि ढेर सारा प्यार मुझे दो और मैं आपको नाराज नहीं करूँगा. आई विल गिव यू द बेस्ट कैरेक्टर एंड द बेस्ट प्रोजेक्ट एवर एंड लव यू. थैंक यू. सॉरी, मैं प्रॉमिसिंग एक्टर फॉर OTT 2022.
उस नॉमिनेशन के लिए. थैंक यू. थैंक यू. हेलो कर trendsetter of the year. So I'm very excited for that category, and also I am walking the ramp as showstopper today for the very first time. So I'm excited for that as well. My upcoming songs, ek mera abhi 29th ko release ho raha hai Ramji Gulati Paji ke saath, jo humne Dubai mein shoot kiya tha, aur ek Karan Aujla wala song release ho raha hai next month first week. So abhi filhal do songs ke bare mein bata deti hu. मेरे या मतलब एकदम क्लोज क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन गए, बट बिग बॉस पिछले सीजन में मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे. अभी एक मिस्टर फैजू है, तो ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट उसके हवाले से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी. आप लोगों को क्या लगता है विनर कौन है? आई डोंट नो. यू नेवर नो. आई डोंट नो. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट, बिकॉज़ उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना, थोड़ा सबर करें, सिर्फ इतना बोलूंगी. या स्टेपिन, अरे ये आपको कैसे पता? ओह माय गॉड, आपको कैसे पता? मेरा स्टेपिन वाला गाना भी रिलीज हो रहा है, मैं कसम से भूल गई थी, आपने मुझे रिमाइंड किया. आई फॉरगॉट. हाउ कम यू कैन फॉरगेट? क्या बात है, होमवर्क बहुत आला करते हैं आप अपना. चलो फिर शो के बाद मिलते हैं. स्टेबिन बन के गाने के बारे में बाद में बताऊंगी, पर ये नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो रहा है 5 तारीख को. ओके, इधर इधर इधर. यस यस, बस बस बस. और यही पूछते हो, मुझे आपको पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली, बट सब स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग है, देख लेना, बहुत फाइनल तो बहुत धमाका दे. वेल यू नेवर नो, आई माइट बी अ पार्ट, आई माइट नॉट बी, बट बिग बॉस इज माय ऑब्वियसली फर्स्ट शो, मुझे बहुत प्यार है बिग बॉस के लिए, एंड आई थिंक यू नो, यू नेवर नो. यस, इज समथिंग कमिंग वेरी सून. I can't reveal yet, but bahut acha hai, and I'm very happy I'm doing this, so we'll see very very soon. Wo sab ki sab cheez karta wahi acha. There's something very special coming up, which I think is very down my line, jo mera character forte hai,
और आई थिंक सबको बहुत पसंद आएगा. बस इट्स समथिंग विच आई बीन प्लानिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट अब हो गया. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. ट्रेंड्स सीजन टू और वी एक्साइटेड एज Shobhita has told us ki there's lots of new talent coming here and we are here to support. Looking forward to see that. Prashant. बस मतलब ये सब मेरे दोस्त हैं और सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आई थॉट दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द शो और हम सब इकट्ठे इस शो को देखने आए हैं, नई टैलेंट को प्रोत्साहित करने आ रहे हैं. और आई थिंक शोभित त्रिशूल द डिवाइन के साथ ये हमारा पहला एसोसिएशन है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी मोर एसोसिएशंस लाइक दिस ऑल्सो विद मिड डे. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. थैंक यू एंड विशिंग एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर हैविंग अस. It's associated with the event. So I just thought ke lockup ke baad koi award nahi liya to award lene aa jate hain, Instagram ki reels ban jayegi. So I thought let me just do this. हमारी लाइफ तो सेम है, शादी के पहले और शादी के बाद. आई थिंक लोगों का परसेप्शन बदल गया है. अब कोई दूसरे रियलिटी शो में कोई दूसरा मुद्दा उठाना पड़ेगा पायल को टारगेट करने के लिए, बिकॉज पायल की शादी हो गई. Yes, my reception is on 27th and Tulika ji is the person to coordinate with. So let me make her the person now to be handling that. So please, aap log zarur aiyega because maine apni career ki shuruaat Mumbai se kari hai. I have been, you know, associated with the industry since last 15 years and meri khushi mein main chahungi ki aap sab bhi shamil ho. जी हाँ, बिकॉज आफ्टर द मैरिज आई हैड टू डू टू रिसेप्शन. ये मेरा थर्ड रिसेप्शन है. एक और रिसेप्शन है हरियाणा में फॉर संग्राम्स फैमिली. उसके बाद हम काम करेंगे. ठीक है, आई वुड जस्ट से गणपति पापा सबकी लाइफ से मुश्किलें दूर करें. गणपति पापा मोरिया. थैंक यू. लेट्स गेट एन अवार्ड.
रखे सबको बोला ओके सर सो दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट विथ लॉट्स ऑफ ट्रेंड्स इंटरनेशनल फैशन वीक आई थिंक मैं लास्ट टाइम भी आने वाली थी बट आई कुडंट कम बिकॉज ऑफ कोविड आई थिंक ये बहुत अच्छा इवेंट है एंड यहाँ पे जितने भी आप लोग देखेंगे सारे स्टाइलिश लोग ही इन्वाइटेड रहते हैं सो इट्स रियली फन यू नो एक मौका मिल जाता है आपके फ्रेंड्स को मिलने का बिकॉज यूजली हम काम में बहुत बिजी रहते हैं सो आई थिंक कुणाल जी को ऐसे इवेंट्स करते रहने चाहिए मैंने ये जो लुक है मेरा डिज़ाइनर दिस इज़ फ्रॉम स्क्रिबल्स आप देखेंगे तो इसमें प्रिंट्स हैं एंड क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा वन पीस या गाउन पे नहीं गई मैं कुछ इंडो वेस्टर्न लुक पे मैं गई वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑन द वे हिज नेम इज़ विशाल एंड ही इज़ फ्रॉम बिग बॉस तो अब हम तो मैं उसका वेट कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं इवेंट के मज़े लूँगी That's it. First of all, thank you. Good evening, everyone. And secondly, I'm first time in this award. So, मुझे खुद नहीं पता भी क्या होने वाला है. I'm really happy because बहुत time होता है कि हमें time नहीं मिलता काम पे busy रहते हैं तो इसमें क्या होगा बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जो यहाँ पे मिल जाएंगे रूबरू हो जाएंगे बात होगी सो लेट्स सी बाकी आते हुए जब मैं वापस जाऊँ तो मैं बताऊँगा हाउस ऑफ वार्ड और कैसा फंक्शन था ये आई थिंक मुझे साथियों के बाद तेरा मेरा साथ भी लोगों ने बहुत पसंद किया लोगों ने बहुत चाहा है बहुत प्यार दिया है यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए है ना मेरे हर शो को प्यार दे बस ऐसे ही प्यार देते रहे आज किरदार अभी जैसे अगर कुछ होगा जैसे ही कुछ फाइनल होगा बात चल रही है जो भी करूँ आप लोगों के सामने आ जाए वही किरदार होगा वही मेरा पैशन है वही जॉब है मेरी बस ऐसे खुश रहे आबाद रहे तंदुरुस्त रहे अपना नाम रोशन करें अपने माँ बाप का नाम रोशन करें अपने देश का नाम रोशन करें नॉमिनेटेड फॉर एक्टर इन OTD क्योंकि OTD पे बहुत सारा प्यार मिला है और थर्सडे इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्चुअली इज़ द नंबर वन वॉच्ड मूवी तो आई एम वेरी आई हैप्पी अरे थैंक यू या माय बेस्ट इज स्टिल येट टू कम आई एम एक्चुअली on the verge of doing something very interesting for OTT only. Ek to meri Sunil Shetty ke saath aa rahi hai abhi web series aur ek aur hai jo main abhi sign aaj hi karke aaya hu to I'm really really happy about it. It's an adaptation. Ek adaptation hai and bahut hi kick-ass story hai iski. So I'm really excited for it. And good people, good known people, good new talent as well. So I'm quite happy. I can't hear you. What? Sorry. I think OTT is. I mean, आप देख ही रहे हैं कि पिक्चरें आजकल OTT पे भी ज़्यादा appreciate की जा रही हैं. I'm pretty sure that इतना प्यार जो हमें मिला है OTT का, तो I think it's a good thing. Yeah, you. I mean, हमारे जैसे talent को ज़रूरत होती है ना OTT की, है ना? असर तो पड़ रहा है बट मुझे लगता है अगर आप अच्छा कंटेंट बनाओगे और अच्छे एक्टर्स को लोगे रादर देन टेकिंग पीपल जस्ट फॉर आई डोंट नो साउथ
लाइक आई सेड ब्रो, अगर तुम अच्छा कुछ बनाते हो, अगर आप लोग अच्छे हो तो इसलिए हम लोग भी आप लोगों के साथ अच्छे है ना. एंड इट्स द अदर वे अराउंड, वी हैव टू बी नाइस टू यू गाइज एज वेल, वी हैव टू बी गुड इन आर कॉन्टेंट एज वेल. तो आई थिंक आज तक अभी यह थर्सडे की अगर आप बात करें तो एक हफ्ता ही प्रमोशन किया था, सबसे कम प्रमोशन थी उसकी, कोई प्रमोशन ही नहीं थी. तो आई थिंक इट्स ऑल कॉन्टेंट यार, तो अच्छा कॉन्टेंट दोगे तो सबकी पिक्चर चलेगी. See, the thing is, I've worked with Atul Kulkarni, and I must say, not only as a performer, as an artist, but also as a human being, he's fabulous. And I think cinema mein ek acha insaan hona bahut zaruri hai, aur wo acche insaan ki kahani bata rahe hain. So I think aise boycott shayad nahi karna chahiye, kyunki agar main bhi usme hota aur agar main industry ka ek outsider bhi hun, to shayad logo ko mere liye to dekhna hi padta na. तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो लाइटमैन है, स्पॉट बॉयज हैं, वो शायद इंडस्ट्री से अब जुड़े हुए हैं, पहले नहीं थे, तो उनके लिए देखना आई थिंक बनना चाहिए. बट इन दी एंड इट्स योर चॉइस है. मैं तो डेफिनेटली देखना चाह रहा हूँ, अभी तो मुझे वक्त नहीं मिला है, बट आई वॉन्ट टू मीट अतुल एंड गिव माई टू बिट्स टू हिम एज वेल, गुड और बैड और व्हाटएवर इट इज, बट आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द फिल्म. ऑडियंस अच्छी पिक्चरें देखिए, खुश रहिए, चिल कीजिए, बारिश इंजॉय कीजिए, ऑल द बेस्ट यू गाइस. Nominated for the best Indian glamorous mother, so I'm here for that. Halaki mera kirdar jo Kundli Bhagya mein hai, it's a very simple mother and very emotional mother, so I'm nominated for being the most beautiful mother, so I hope so. I win, fingers crossed, hoping for the best. थैंक यू सो मच कि आप मेरे किरदार को इतना पसंद करते हैं. यस, आई प्ले अ वेरी इमोशनल एंड अ स्ट्रॉन्ग मदर, और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मेरा किरदार कुंडली भाग्य में है, एक्चुअली मैं असल के ज़िंदगी में भी बिल्कुल वैसी ही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. मैं असल के ज़िंदगी में भी बहुत इमोशनल हूँ, तो शायद कुंडली भाग्य मेरे भाग्य में इसलिए लिखा था क्योंकि Anisha is exactly like Rakhi. It's a part of every show ki twists and turns aate hain. Main maa thi apne bachchon ki, ab mere bachche unke bachche ho gaye, so a new generation being added to the family, I'm more than happy. What else can I ask for? You mean the new show of Dheeraj? Yes. Dheeraj is a very, very good actor, and on top of it, a lovely human being. तो आई थिंक धीरज जो भी काम करेगा बहुत बढ़िया काम करेगा और उसका काम निखर के आएगा. आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव टू धीरज. थैंक यू फॉर लविंग अस, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर शो, और हम हैं, आप हमें पसंद करते हो इसलिए हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड कीप वॉचिंग अस. गणेश चतुर्थी फेस्टिवल होता है खुशियों का, साथ आने का, तो मैं यही चाहूँगी कि हम सब एक साथ हों, एकजुट हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, बापा हमारे साथ हैं. सो इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन इन एडवांस. थैंक यू.
password. No, password it will be. Sorry. Password? Idhar aa gaya, wo white le rahe hai mummy. Sorry. So I'm very happy and excited that they nominated me for this award. I'm also getting the award, so thanks to the team, thanks to Midday and Kunal Thakkar, jiski team hai. I totally appreciate him for, you know, recognizing the talent and giving us the platform. Unique hai na, ajeeb nahi hai na. Thank you. So he thinks it's unique. Basically, I couldn't shop for this. I couldn't buy gowns and stuff because I didn't have time. So jo bhi mere wardrobe mein tha, I just put everything together and wore it. So I hope it looks good. Audience, aaj ki audience ya film audience? Jo? Meri fans. I don't know how many fans do I have, but yehi bolungi ki please don't do all these boycotts and all. Negativity nikale dimag se. Be positive. Support us. It's not walk in the park. Sabko mehnat karni padti hai. They all are making movie out of hard work and everything. So be positive. Ye negativity nikaliye dimag se. It's not easy to make a movie. Not Hollywood star, but yeah, I'm working down south at the moment because South industry is welcoming and I don't belong to this